गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार सिंह, योर फिजिक्स टीचर फ्रॉम श्री ज्योति एजुकेशनल ग्रुप। टुडे वी विल टेक चैप्टर नंबर 11, वर्क एंड एनर्जी पार्ट 2। सो स्टूडेंट, कम टू द एनर्जी। ओके, इन पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द वर्क, दैट व्हाट इज वर्क, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। ओके, नाउ इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी, वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी विच वी विल डिस्कस हियर, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एंड नेक्स्ट वन वी विल सी द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द एनर्जी, हम एनर्जी की तरफ मूव करते रहते हैं। ओके, अगर हम एनर्जी की बात करें, सो हमें एनर्जी मिलती कहाँ से? अगर हम टर्म एनर्जी की बात करें तो एनर्जी से ही हम कोई वर्क कर पाते हैं। अगर हमारे पास एनर्जी है तो हम वर्क कर पाते हैं। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ को एनर्जी मिल रही है कहाँ से? सन से एनर्जी मिल रही है। तो सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, देयर आर अदर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो न्यूक्लियस के हेल्प से, जो उसके अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन अवेलेबल रहते हैं, उनसे भी हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये आप हायर क्लासेस में देखेंगे। तो हमने यहाँ पे अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात की। जैसे हम पेट्रोल की बात करें, ओके, ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो हमारे पास मशीन्स होती हैं, ओके, जो डीजल से या पेट्रोल से ऑपरेट होती है, उनको चलाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो ये लिक्विड फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। ओके, दैट इज अ पेट्रोल, डीजल। आपने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी सुना होगा, दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें न्यूक्लियस की हेल्प से मिलती है। ओके, सन से जो एनर्जी मिलती है वो तो हमारे लिए मेजर सोर्स ऑफ, या फिर यू कैन से दैट इज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, कोल से हमें एनर्जी मिलती है, हमें एलपीजी से एनर्जी मिलती है। तो दीज आर द सम सोर्सेज ऑफ द एनर्जी। ओके, इन्हीं एनर्जी की हेल्प से हम कोई वर्क कर पाते हैं। ओके, अगर हम अपनी बात करें, अगर ह्यूमन बीइंग अपनी बात करें तो भी इनको कोई वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम किसी मशीन्स की बात करें तो उसको भी वर्क करने के लिए किसी न किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी के अंदर हम लोग कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जितना हमने वर्क किया, ओके, अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा तो पूरी की पूरी एनर्जी उस वर्क डन में कन्वर्ट होगी। दिस इज द आइडियल सिचुएशन। ओके, ऐसा नहीं होता कि अगर मैं किसी स्टोन को पुश कर रहा हूं तो उस पर जितना मैंने वर्क किया वही एनर्जी मैंने जितना यूज किया या फिर मेरे पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी उस वर्क डन के इक्वल होगी। नहीं, यहाँ पे कुछ सोर्स से कुछ एनर्जी वेस्ट भी होता है। ओके, कुछ एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं वो एनर्जी अपनी एटमॉस्फेयर में भी डिलीवर कर देते हैं। ओके, तो हमें उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि एनर्जी चाहिए हमें क्यों, किसी भी वर्क को करने के लिए। तो अगर हम एनर्जी की डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन बच्चों आपको पेज नंबर 149 पे मिल जाएगी। ओके, और इससे एक अच्छा सा क्वेश्चन भी बनता है, दैट व्हाट इज एनर्जी। ओके, और यू कैन से राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखें, तो इस पे अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर मिलेगा आपको बच्चों जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है पेज नंबर 149 के इस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के ऊपर वाले पैराग्राफ में। द आंसर इज द एनर्जी पजस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर इन टर्म्स ऑफ द कैपेसिटी। द कैपेसिटी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ओके, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एनर्जी और वर्क डन बोथ आर द सेम थिंग। इट मींस द एसआई यूनिट ऑफ द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू द एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी। जो वर्क डन की एसआई यूनिट है वही एनर्जी की एसआई यूनिट होगी। सो द एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल। ओके, नाउ अगर कहा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन जूल ऑफ एनर्जी, इट मींस बाय वन जूल ऑफ एनर्जी वी आर कैपेबल। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि वन जूल एनर्जी से आप क्या समझते हो, तो वन जूल एनर्जी से हम इतने कैपेबल हैं कि हम वन जूल वर्क कर सकें। इट डजेंट मीन दैट आई कैन टोटली कन्वर्ट वन जूल ऑफ एनर्जी इनटू वन जूल ऑफ वर्क, बट आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क ऑफ वन जूल। मैं वन जूल वर्क करने के लिए कैपेबल हूं, बट इट डजेंट मीन कि वन जूल एनर्जी है तो मेरे पास वन जूल वर्क हो ही जाएगा। इट मे बी लेस देन वन जूल। इट मीन्स एनर्जी जो है वो आपके वर्क डन की कैपेसिटी को बताती है। इट मीन्स इफ यू हैव 200 जूल ऑफ एनर्जी, इट मीन्स यू कैन डू 200 जूल ऑफ वर्क। इट डजेंट मीन दैट यू विल एग्जैक्टली डू द 200 जूल ऑफ वर्क, क्योंकि कुछ लॉसेस भी तो होंगे बच्चों, बट ये कैपेसिटी बता देती है कि आप इतना कर सकते हैं। अगर आपके पास 300 जूल ऑफ एनर्जी है तो आप 300 जूल वर्क कर सकते हैं अगर कुछ लॉसेज नहीं हो रहे। तो एनर्जी जो होगी वो वर्क डन को या फिर वर्क की करने की कैपेसिटी को बताएगी। ओके, एसआई यूनिट इज द जूल, देयर इज नो डाउट अबाउट द एसआई यूनिट। ओके, अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की।
द नेक्स्ट वन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कितनी फॉर्म्स हैं और आपको कितना पढ़ना है। ऐसे तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं हीट एनर्जी की बात करूं, साउंड इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, लाइट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, मैकेनिकल एनर्जी दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, बट मैकेनिकल एनर्जी कंसिस्ट टू टाइप ऑफ एनर्जी इन विच वन इज द काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके कोर्स में मैकेनिकल एनर्जी ही है, बाकी जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं वो आपके कोर्स में नहीं है। तो साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बट दीज आर नॉट इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी है, तो हम मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, ओके, फर्स्ट वन इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस क्या करने वाले हैं बच्चों, पहले लिख दें दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी मोशन से रिलेटेड होती है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो जो एनर्जी पजिस करेगा दैट एनर्जी इज डिनोटेड बाय द मैकेनिकल एनर्जी, यानी कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है इसके अंदर। ओके, सो मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज द काइनेटिक एनर्जी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी को भी, डेरिवेशन भी है इसका, एंड द सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। सो ओपन पेज नंबर 150, ओके, इन पेज नंबर 150 देयर आर सम एक्टिविटीज, एक्टिविटी 11.6, एक्टिविटी 11.7, ओके, इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, आप घर पे आराम से इन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ आफ्टर परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटी वी विल फाइंड कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है या फिर कोई और सोर्स उसके ऊपर वर्क करता है और उस वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें वर्क करना पड़ा और वर्क करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी। इट मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वी नीड अ एनर्जी, हमें उसको करने के लिए या फिर उस वर्क को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो हाउ वी विल फाइंड आउट कि उस पर कोई वर्क परफॉर्म हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे वर्क हुआ है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उस पे कोई वर्क हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक कि उसकी वेलोसिटी क्या चेंज हुई है, ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था। फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट, ओके, आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ओके, ये मूव नहीं किया, इट मींस व्हाट, आपने कोई वर्क नहीं किया। ये पार्ट हम लोग अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क डन करने के लिए एक फॉर्मूला था, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ऑब्जेक्ट का मूव होना या फिर उसको डिस्प्लेस होना कंपलसरी होता है वर्क कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप इस पे फोर्स अप्लाई किए जा रहे हो बट ये मूव नहीं कर रहा है, इट मीन्स द वर्क डन विल बी जीरो, आपने कोई वर्क ही नहीं किया अगर ये मूव नहीं कर रहा है। ओके, तो वर्क करने के लिए ऑब्जेक्ट का मूव होना कंपलसरी है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट मूव होगा इट मींस उसकी वेलोसिटी में चेंजेस होगी। ओके, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पर रखा हुआ है, आपने इसमें फोर्स अप्लाई किया तो ये मूव करेगा, तो इसका मतलब इसने कोई ना कोई वेलोसिटी गेन की। इट मींस चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट द वर्क डन। ओके, वेलोसिटी चेंज हो रही तो क्या बता रही है, वर्क डन हुआ, और अगर वर्क डन हुआ इट मींस हमने उसको एनर्जी दी। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास किसी भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं इसका मतलब कि वहां पे उसने उसको एनर्जी प्रोवाइड की गई है। ओके, या तो उसने एनर्जी रिलीज की है या तो उसने एनर्जी गेन की है। अच्छा, एक टर्म आता है एनर्जी रिलीज करना, एनर्जी रिलीज करना या फिर एनर्जी गेन करना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास फॉर एग्जाम्पल 500 जूल ऑफ एनर्जी है, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए वैल्यू लिखी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि 500 जूल ही होगा हमेशा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो 500 जूल एनर्जी को पजेस कर रहा है, यानी उसके पास 500 जूल एनर्जी है। अब वो ऑब्जेक्ट कैपेबल है 500 जूल वर्क करने के लिए, वो 450 जूल वर्क भी कर सकता है, ओके, लेस देन 500 जूल वर्क कर सकता है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, ओके, या फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एनर्जी इसको देते हैं, ओके, हम क्या कर रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं,
तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा ये एनर्जी गेन करेगा, क्या करेगा बच्चों, एनर्जी गेन करेगा। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके पास ऑलरेडी 500 जूल एनर्जी थी इसको मैंने और एनर्जी दी तो ये एनर्जी गेन करेगा। ओके, इसका जस्ट रिवर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास 500 जूल एनर्जी है और ये अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ओके, या फिर ये अपनी एनर्जी किसी और को दे रहा है तो ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा, या फिर उसकी एनर्जी लेवल डिक्रीज होती जाएगी। ओके, इट मींस अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो वो एनर्जी गेन कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने वर्क किया तो वो एनर्जी लूज करेगा। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? हम एनर्जी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं ओके तो वो एनर्जी गेन कर रहा है, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ने वर्क किया तो एनर्जी लूज करेगा। ये सिर्फ समझने के लिए काफी है, इसके बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो इस लाइन को रॉन्ग भी प्रूफ करेंगे, नो नीड टू वरी। ओके, बट ये चीज कॉन्सेप्चुअल है ना। सो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी गेन भी हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट में ना। हम बात कर रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है इट मींस इट रिप्रेजेंट कि उसके ऊपर वर्क डन हुआ है, और वर्क डन हुआ है इसका मतलब कि उसने कोई ना कोई एनर्जी ली होगी, या फिर एनर्जी लूज की होगी, या फिर उसने एनर्जी गेन की होगी, और हमें वही एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, ओके, और अगर वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे तो इट रिप्रेजेंट व्हाट, कि उसके पास कोई एनर्जी लूज हुई है या फिर उसके पास कोई एनर्जी गेन हुई है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है ही नहीं, जस्ट अज्यूम, इज इट नॉट पॉसिबल कि कोई ऑब्जेक्ट और उसका मास ही नहीं हो, बट थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कोई मास ही नहीं है, तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए क्या मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक छोटा सा एक माइन्यूट साइज का एक पार्टिकल है, ओके दिस वन, वो छोटा सा साइज का पार्टिकल है, मुझे इसको डिस्प्लेस करना है, ओके, और इसको डिस्प्लेस करने के लिए अगर मैं इस पे विंड एनर्जी प्रोवाइड करता हूं इसको, तो एक सिंपल से विंड एनर्जी से ये डिस्प्लेस हो जाएगा। देखो, ओके, सिंपल सी विंड एनर्जी प्रोवाइड की, मैंने एयर की हेल्प से इसको पुश कर दिया। नाउ दिस इज अ हैवी ऑब्जेक्ट, अब मैं इसको डिस्प्लेस करना चाहता हूं बाय द सेम विंड एनर्जी, एयर की फोर्स की हेल्प से इसको डिस्प्लेस करना चाहता हूं, ये डिस्प्लेस ही नहीं होगा। इट मींस ऑब्जेक्ट का मास जितना कम होगा, जितना कम उसको डिस्प्लेस करना या फिर उसके ऊपर वर्क करना उतना आसान रहेगा। ओके, बात समझ में आई? या फिर आप ये कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास अगर बिल्कुल ही नहीं है या फिर बहुत ही कम है तो उस पर थोड़े से वर्क से ही वो डिस्प्लेस हो सकता है, हमने थोड़ा सा वर्क किया जिससे वो डिस्प्लेस हो गया। अगर ऑब्जेक्ट के मास को मैं और रिड्यूस करूं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन भी क्या होगा बच्चों, और रिड्यूस होगा उसको डिस्प्लेस करने के लिए। ऑब्जेक्ट का मास और रिड्यूस करूं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन भी क्या होगा बच्चों, और रिड्यूस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का मास जीरो कर दो तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा उसको डिस्प्लेस करने के लिए, इट विल बी जीरो। आई बात समझ में? तो ऑब्जेक्ट का मास होना कंपलसरी है वर्क डन करने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट के पास मास ही नहीं है यानी कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो आप वर्क कहां पे करोगे? इट मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है ओके, और आपको यह फाइंड आउट करना है कि उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए या फिर उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमने कितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड की, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का मास भी कंसिडर करना पड़ेगा, नेग्लिजिबल मास नहीं ले सकते, और उस ऑब्जेक्ट में जो चेंज इन वेलोसिटी आ रही है वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, सो हमने एक चीज देखी कि ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस या फिर ऑब्जेक्ट की एनर्जी में या फिर ऑब्जेक्ट के मोशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, तो उसके लिए मास कंपल्सरी है और वेलोसिटी में चेंज होना कंपल्सरी है। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आता है या फिर काइनेटिक एनर्जी एक टर्म आती है, काइनेटिक एनर्जी जो कि मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, यानी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो जो एनर्जी पजेस करेगा दैट एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय द काइनेटिक एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसका मतलब कि उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है या फिर वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके पास जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको हम डेरिवेशन में भी प्रूफ करके फाइंड आउट करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ गई? सो ओपन पेज नंबर 151 टू सी द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन है उसको देखने के लिए पेज, नाउ सी द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसमें हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, इट इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे।
Okay, we know the third equation of motion, that is v square minus u square equals to 2as. Okay, ये हमारे को एक इक्वेशन मालूम है, दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अच्छा, ये डेरिवेशन आपको मिलेगा बच्चों पेज नंबर 151 पे. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. इस फॉर्मूले से हमने एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी. नाउ वी ऑलरेडी नो कि हम लोग जो वर्क डन करते हैं वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी जितना वर्क डन हुआ वो ये बताएगा कि आपके पास कितनी एनर्जी थी. इट मीन्स हम लोग यहाँ पे अगर वर्क डन कैलकुलेट कर लें तो वो क्या बता देगा बच्चों कि इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी एनर्जी इसने गेन की है, कितनी एनर्जी इसने लूज की है. सो वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन. सो फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो आप यहां से पुट कर लो. अब हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स का आपको फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, दैट इज एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए. ओके, मालूम है बच्चों. So put the values of F equals to M into A and S equals to V square minus U square upon 2A in this equation. So it will be M into A V square minus U square upon 2A. Okay? Simplify करते हैं, कुछ cancel out हो रहा है बच्चों. ये 2 से ये 2 cancel. Okay? ये 2 से. So what we have to do, we have to put the value of F and S in this equation. So it will be M into A, that is F. Now S ki value put karte hain, V square minus U square upon 2A. Achha, kuch cancel out ho raha hai. Dekho, ye A cancel ho gaya. So it will be M upon 2 V square minus U square. That is a work done, or you can say this is the kinetic energy. ये क्या है बच्चों? Kinetic energy है. Okay, so kinetic energy आ गई आपके पास m by 2 v square minus u square. Now this formula is applicable. Okay, this formula is applicable only when object is initially moving with the velocity u, and after applying the force, the velocity of the object get changed into v. Okay. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है और फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जा रही है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. ओके, इट मींस द काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. बट इफ इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? देखो, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. So, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, सो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम, यू की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो बचेगा क्या? सिर्फ वी स्क्वायर. यह फॉर्मूला कब के लिए एप्लीकेबल है बच्चों? जब ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर है. ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? जीरो है. अच्छा, इसकी भी यूनिट की बात की जाए, वही जूल. नो नीड टू वरी, चाहे एनर्जी कोई सी भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सबकी यूनिट क्या होगी बच्चों? आपके पास जूल. सो ये डेरिवेशन आपको पेज नंबर 151 पे मिल जाएगा, और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 11.3, एग्जांपल 11.4, ओके, इसको अच्छे से करना, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं. देन आफ्टर इंटैक्स क्वेश्चन विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 152. सो नाउ द नेक्स्ट वन, सो ओपन पेज नंबर 152 फॉर पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी यू हैव टू डू सम एक्टिविटीज, एक्टिविटी 11.8, एक्टिविटी 11.9, एक्टिविटी 11.10. ओके, इसको ब्रीफ में हम देख लेते हैं इन एक्टिविटीज को. इन एक्टिविटी 11.8, सपोज यू हैव अ रबर बैंड, आपके पास एक रबर बैंड है, उसको स्ट्रेच करो. ओके, या फिर उस रबर बैंड को स्ट्रेच करके उस रबर बैंड के एक एंड को आप अपने हाथ से पकड़ो और दूसरे एंड पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट होल्ड करके रिलीज करो. आपके पास एक रबर बैंड, उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद एक ऑब्जेक्ट को यहां पे पकड़ा और उसके बाद उसको रिलीज किया. तो जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे, या फिर यहां पे जो आपने रबर बैंड पकड़ा है इसको रिलीज करोगे, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाएगा. एग्री? तो जब ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव किया तो इसके पास एनर्जी कहां से आई इसको मूव करने के लिए? वो एनर्जी दी रबर बैंड ने. और रबर बैंड ने वो एनर्जी कहां से सेव की? वो एनर्जी सेव की उसने हमारे से, यानी हमने जो उसको ऊपर एनर्जी अप्लाई किया, फिर जो वर्क किया, उस वर्क को उस रबर बैंड ने एनर्जी के फॉर्म में अपने पास सेव कर लिया. ओके,
एक तो ये एक्टिविटी है। सेकेंड एक्टिविटी, सपोज करो आपके पास एक स्लिंकी है, स्लिंकी एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, ओके उसको आप स्ट्रेच करते हो और फिर रिलीज करते हो तो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, यानी और वो जब अपनी पोजीशन पे आता है तो इतना कैपेबल होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर सके, ओके या फिर आपके पास एक टॉय ट्रेन है, आपने टॉय ट्रेन देखी होगी जिसको हम पीछे की तरफ एक बार मूव करते हैं और पीछे की तरफ पुश करने के बाद जब उसको रिलीज करते हैं तो आगे की तरफ भागता है। प्ले विद सच टाइप ऑफ टॉय ट्रेन, खेला ही होगा बचपन में बहुत आपने, एक टॉय ट्रेन को पीछे की तरफ पुश किया होगा, रिलीज किया होगा तो आगे की तरफ भागा होगा। तो यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज देखी, इन एक्टिविटीज में हमने एक चीज फील की कि हमने पहले ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट में क्या है, स्लिंकी है, ऑब्जेक्ट में क्या है, रबर बैंड है, और क्या है, टॉय ट्रेन है। तो हमने अगर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ से कोई उस ऑब्जेक्ट में वर्क किया तो वो वर्क उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी की फॉर्म में सेव हो गया, ओके वो वर्क उस ऑब्जेक्ट के पास किस फॉर्म में सेव हुआ, एनर्जी की फॉर्म में, और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ऑब्जेक्ट के पास या फिर किसी भी हमारे पास ए टू जेड कोई सा भी ऑब्जेक्ट है उसके पास जाके सेव हो रही है। That energy is generated by the term that is the potential energy. अब आपके कोर्स में अब पोटेंशियल एनर्जी की बात की है तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट हमारे कोर्स में पोटेंशियल एनर्जी वो है जो हाइट पे डिपेंड करेगी, ओके इट मीन्स इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्ट, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ओके सपोज दिस इज अ ऑब्जेक्ट, इसको मैंने इस हाइट से इस हाइट पे लेके गया और अगर इसको मैं यहां से रिलीज करता हूं, ओके जैसे इस हाइट पे गया, ऑब्जेक्ट को रिलीज करो तो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा इसका मतलब इसके मोशन में चेंजेस है, मोशन में चेंजेस है इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट गेन कर रही है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी तभी गेन करेगा जब इसके पास एनर्जी होगी या फिर इसके ऊपर वर्क होगा। तो ये ऑब्जेक्ट जब इतनी हाइट पे था और जब इसको रिलीज किया तो ये किस एनर्जी से नीचे जा रहा है, इसके पास एनर्जी होगी तभी तो ये नीचे जाने के लिए कैपेबल है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे यहां पे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे जस्ट किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी हाइट पे ले जाके यहाँ पे होल्ड करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट था जो ग्राउंड पे रखा हुआ था, इस ऑब्जेक्ट को मैंने किसी हाइट पे ले जाके यहाँ पे रख लिया, इट मीन्स जब इसको मैं हाइट पे लेके गया तो इस ऑब्जेक्ट ने एक एनर्जी गेन कर ली और उस एनर्जी की वजह से ये इतना कैपेबल है कि ये नीचे की तरफ आराम से मूव हो जाए, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, ओके इसका वाइस वर्सा भी समझते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक ले जाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज ऑल्सो डिनोटेड बाय द टर्म पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सपोज करो 5 मीटर की हाइट तक ले जाना चाहता हूं, तो 5 मीटर की हाइट तक ले जाने के लिए मुझे इस ऑब्जेक्ट पे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी होगी बच्चों इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगेन द सेम थिंग, क्या पोटेंशियल एनर्जी भी मास पे डिपेंड करती है? हाँ करती है। सपोज यू हैव अ ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg और उस ऑब्जेक्ट को आप 1 मीटर की हाइट तक ले जा रहे हो, ओके अज्यूम करना एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, उस ऑब्जेक्ट को आप सिर्फ 1 मीटर की हाइट तक लेके जा रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आपका फ्रेंड 10 kg के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर की हाइट तक ले जा रहा है, तो किसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स जो 10 kg के ऑब्जेक्ट को हाइट पे ले जा रहा है उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट उतनी एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द हाइट, ओके हाइट पे तो डिपेंड कर ही रही है कि जितनी ज्यादा हाइट ले जाएंगे उतनी ज्यादा हमें एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, एंड द सेकंड थिंग पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो, ओके एंड द थर्ड वन पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपके कोर्स में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब हाइट पे जो डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करेगा। इट मींस अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तभी हमें इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के रिवर्स डायरेक्शन में, और अगर सपोज करो ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होता, ओके सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है किसी जगह पे, मुझे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर डिस्प्लेस करना है बट इस ऑब्जेक्ट पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही नहीं रहा, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर डिस्प्लेस करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे क्या? नहीं लगाने पड़ेंगे, आराम से ऑब्जेक्ट ऊपर चल जाएगा, ओके या फिर मैं सिंपल से पेन से भी या फिर अपनी सिंगल फिंगर को यूज करके भी इस ऑब्जेक्ट को ऊपर पहुंचा सकता हूं अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। इट मीन्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमें फोर्स अप्लाई करना है या फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमें वर्क करना है वो वर्क भी किस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इट मीन्स जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वो एनर्जी मास पे भी डिपेंड कर रही है, वो एनर्जी हाइट पे भी डिपेंड कर रही है, और वो एनर्जी साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रही है।
क्लियर, आई बात समझ में? तो इसका डेरिवेशन देखने के लिए कम टू द पेज नंबर 153। ओके, डेरिवेशन पार्ट जो होगा बच्चों वो पेज नंबर 153 पे गिवन है। इन दिस डेरिवेशन, ओके, और यू कैन से इन दिस डायग्राम विच इज गिवन ऑन फिगर नंबर 11.7। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है। ग्राउंड पे रखा हुआ है इसका मतलब कि हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनिशियली इज जीरो। इस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक लेके गए, इट मींस दिस हाइट इज एच। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट को जब किसी हाइट तक लेके गए तो इस ऑब्जेक्ट पे मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? एफ इक्वल्स टू एम इंटू जी। ओके, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर किसी हाइट तक ले जाने के लिए मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? एफ इक्वल्स टू एम इंटू जी। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्राउंड की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? एम जी। क्लियर, जितना ग्राउंड की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है फिर जितना ग्राउंड की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स तो मुझे भी लगाना पड़ेगा इसको ऊपर ले जाने के लिए, तभी तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सो एफ इक्वल्स टू एम जी फोर्स ग्राउंड की तरफ लग रहा है, फिर एफ इक्वल्स टू एम जी फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। वर्क डन का फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, दैट इज एफ इन टू एस या फिर एफ क्रॉस एस। ये हमें वर्क डन का फॉर्मूला मालूम है। तो वर्क डन यहां पे हम कौन सा वर्क डन कैलकुलेट करने वाले हैं? सिंपल वाला। बट इस वर्क डन को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यानी यहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इस पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इसको कैपिटल यू से भी डिनोट किया जाता है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स इज व्हाट? एम जी। अब ऑब्जेक्ट को किस हाइट तक लेके गए हम बच्चों? एच हाइट तक। सो दिस इज एच, इट मींस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? एम जी एच। अगर हम इसकी भी एसआई यूनिट की बात करें, नॉर्मल वही है जो कि बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की थी, दैट इज अ जूल। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने ये देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको हाइट गिवन होनी चाहिए, मास गिवन होना चाहिए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मास होना चाहिए और वेलोसिटी होना चाहिए। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे के पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ टिल देन थैंक यू।